तड़िद्युति विनिंद पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण विराजमान समस्त संत वृंद विद्वत वरेण्य महानुभाव भगवत चरण अनुरागी श्रोत्री वृंद स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति भगवान त्रिवटी नाथ की महती कृपा से श्री राधा माधव संकीर्तन मंडल के पवित्र तत्वावधान में महापुरुषों के आशीर्वाद के फलस्वरूप हमारे श्रीमान वीरेंद्र प्रेमलता जी खंडेलवाल उनके प्रधान यजमानत्व में वैदिक वाङ्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ श्रीमद् भागवत जी के साप्ताहिक पवित्र भक्ति अनुष्ठान के तृतीय दिवस में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। व्यास मंच पर भगवान सुखदेव प्रभु आसीन है और हम सबका प्रतिनिधित्व परीक्षित महाराज कर रहे हैं। भगवान सुखदेव उनको लक्ष्य करके मानो तो संपूर्ण मानव जगत को आत्मोपदेश कर रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित विदुर के बारे में कृष्ण ने उद्धव से कहा था कि मेरे विदुर का मुझे बहुत स्मरण होता है, क्यों न हो ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान कहते हैं जैसे जीव मेरा स्मरण करता है मैं भी उनका भजन करता हूं। और गीता में तो एक बड़ी गजब की बात गोपाल जी कह रहे हैं, यो यह श्रद्धस्स एव स, जिसमें तुम श्रद्धा करते हो उस श्रद्धास्पद का चिंतन करते करते तुम भी एक दिन वही हो जाते हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यो यह श्रद्धस्स एव स, तुम वो हो जाते हो। और एक स्टेज ऐसी आती है कि तुम्हारी माला छूट जाती है और उसकी माला शुरू हो जाती है, वो तुम्हारी जपने लग जाता है। माला जपहिन कर जपहे जिहुआ जपहिन राम, अब मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। बोलो जय श्री कृष्ण। अब माला छूट गई है, भजन नहीं चलता है, तो कर क्या रहे हो? बोले हमारा सुमिरन वो कर रहा है। और तुम बोले तान दुपट्टा सो रहे हैं। व्यास भरोसे कुमर के सोवत पाम पसा। उद्धव जी आज विदुर को ढूंढते ढूंढते वृंदावन आए और वृंदावन में उनका विदुर जी से मिलना हो गया। विदुर को संत उद्धव ने बड़ी पवित्र कृष्ण कथा सुनाई और उनको मैत्रेय मुनि के पास में हरिद्वार में भेज दिया कि द्वार ही तो नद्या मेरे सब कुरुणाम मैत्रे आसीन भगत बोधम। अगाध जिनका बोध है, अगाध जिनको शास्त्रीय ज्ञान है, उन मैत्रेय मुनि के पास में भेजा जो मित्रा वरुण के पुत्र हैं। विदुर को आता देखकर के मैत्रेय जी गदगद हो गए, क्योंकि जात पात पूछत नहीं कोई,
हरि को भजे सो हरि को होई। विश्व में सबसे कम जाति यदि किसी में है तो केवल हिंदू समाज में है। लोग कहते हैं हम लोग बड़ी जातियों में बटे हुए हैं। जन्माष्टमी पर अमेरिका में कार्यक्रम चल रहा था वाशिंगटन डीसी में, एक सज्जन मेरे से बोले कि हिंदू समाज में जातियां बहुत हैं। मैंने कहा रॉन्ग बोलते हो तुम, सर्वाधिक जाति यदि किसी समुदाय में है तो वो क्रिश्चियन और इस्लाम में है। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं गिनती करा दूं, बोलने ऐसा तो कुछ नहीं है। मैंने कहा तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश कभी बुश के आगे ओबामा नहीं लिख सकता, ओबामा बुश नहीं लिख सकता, बुश ओबामा नहीं लिख सकता, क्योंकि भिन्न है। और क्रिश्चियनिटी में अंग्रेजों की 150 जातियों का नाम तो मेरे पास लिखा है, हिंदू समाज में तो चातुर्वर्ण्यम मया दृष्टम, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से। केवल हमारे यहां चतुर्वर्ण है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अब जिन जिन ऋषियों की वो संतान है उन ऋषियों के गोत्र तो होते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और दूसरा जो इस्लामिक समुदाय है उसमें तो और ज्यादा जातियां हैं। सबसे कम जाति विश्व में हिंदू समाज में है और सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा श्रेष्ठ और सबसे ज्यादा निर्मल और सबसे ज्यादा करुणा और सबसे ज्यादा दया यदि किसी समुदाय में है तो केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्म में है। बोलो जय श्री कृष्ण। और ये विश्व मानता है इस बात को। हमारे हिंदू समुदाय में एक जैन संस्कृति है, ये हिंदू समुदाय के 5 संस्कृति हैं, 5 अंग हैं। उसमें वैदिक सनातन धर्म का प्राचीन अंग है जैन समुदाय। महाराज पूछो मत, पट्टी तक बांध लेते हैं, सांस में भी मच्छर न चला जाए, इतनी अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म, कैसा पवित्र समाज है। आर्य संस्कृति, सिख समुदाय, एक सिख संस्कृति तो सदगुरु नानक देव जी महाराज ने हिंदुओं की रक्षा के लिए ही प्रकट की। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, केवल सनातन धर्म सुरक्षित कैसे हो इसके लिए आप पढ़ के देखें इतिहास। हमारे यहां तो सब गले लगाए जाते हैं, जाति पाति पूछत नहीं कोई, हर को भजही सो हर को हो। हरि के हैं सब, सबको गले लगाओ। और एक बात आपसे कह दूं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भवेत्। ये संस्कार केवल वैदिक हिंदू सनातन धर्म में है और कहीं नहीं है। और एक हम नारा बोलते हैं ना, आप तो देखा देखी सब लोग बोलने लग गए हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये नारा भागवत में लिखा है। इसका प्राकट्य भागवत जी से हुआ है। और इसकी शुरुआत करिए हिरण्यकश्यप के सुपुत्र श्री प्रहलाद जी ने, सतयुग में प्रहलाद जी नृसिंह भगवान के सामने बैठ करके कहते हैं, भागवत पंचम स्कंद में लिखा है कि स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खल प्रसीदता
ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजता मधुक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहैतुकी। उसी नारे का संस्कृत ट्रांसलेशन है। विदुर को दौड़ करके महात्मा मैत्रेय जी ने गले से लगाया, आप जैसा संत इस गरीब ब्राह्मण की कुटिया पर कैसे आ गया, पधारिए। विदुर जी कहते हैं, प्यास लगती है तो कुआं की खोज करनी पड़ती, महात्मन आपके चरणों में आया हूं। मैत्रेय जी बोले, पहले कुछ फल तो ग्रहण कर लो। उनको सुंदर फल प्रदान किए, आश्रम की गौ माता का शुद्ध दूध पिलाया, हाथ पैर धोकर के बैठ गए दोनों सत्संग के लिए। कैसे आए बोलो, अब तो मैत्रेय मुनि के हजारों शिष्य जो थे गुरुकुल के वो भी बैठ गए। आगे विदुर जी के लिए आसन दे दिया। मैत्रेय मुनि बोले, समय व्यस्त क्यों करें, जाया क्यों करें, तुम तो शुरू हो जाओ, बोलो क्या बात है। विदुर जी बोले, दुनिया में घूम रहा हूं, कृष्ण के जाने के बाद मन टूट गया है, मन कहीं लगता नहीं है। अब एक बात मेरी समझ में नहीं आती, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। लो जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। उनको चैन नहीं पड़ता था क्या, बिना बनाए, नहीं बनाते तो कितनी शांति थी। बचपन में एक फिल्मी गीत सुनता था मैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तेने काहे को दुनिया बनाई। मैं छोटा सा था, मुकेश का गीत है। कोई कोई गीतों में बड़ा भाव छुपा रहता है। मैं कल बोल रहा था ना, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, उसके रचयिता कवि श्री राधे श्याम जी बरेली के ही तो हैं, बोलो जय श्री कृष्ण। एक एक शब्द में कितना करंट है, कितना भाव उमड़ता है। राधे श्याम रामायण हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, कैसे सुंदर भाव उसमें प्रस्तुत किए हैं। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तेने काहे को दुनिया बनाई। मैं अपने गुरुदेव से कहता था, इसका क्या मतलब है। गुरु जी कहते हैं, खांटी वेदांत है इस गीत में। पहले इतने अच्छे गीत होते थे, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, फिर क्या है, वहां पैदल ही जाना है। देखो कितना बढ़िया गीत है, कहने को फिल्मी गीत है लेकिन भाव देखो आप। रोते रोते हंसना सीखो और हंसते हंसते रोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। पूरा वेदांत भर दिया, गीत है फिल्मी। मोरा मन दर्पण कहलाए, कैसे कैसे गीत होते थे पहले, कितने उनके भाव होते थे बढ़िया। दुनिया से जाने वाले दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहां। कितना विचित्र भाव है, भागवत का भाव है। ऐसे होते थे गीत। आप परिवार के सहित बैठकर के सुनिए, आनंद आता था। अब के गीतों से भगवान बचाए, मेरे ओठों को फेविकोल से चिपका दे। कोई गीत है, पता नहीं कौन सी बदनाम हो गई। अरे राम 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 डार्लिंग तेरे लिए, कोई गीत है।
अरे कुछ भाव तो होना चाहिए, कुछ मतलब तो होना चाहिए। ओए ओए चलती क्या खंडाला, अरे बाहर में जा तेरा खंडाला क्यों जाएंगे भाई, अखियों से गोली मारे। तो मतलब कोई दृष्टि होनी चाहिए, कोई भाव होना चाहिए। अभी मैं कथा कर रहा था, जब अमेरिका से आया तो सीधा जबलपुर की बगल में विजय राघवगढ़ में कथा कर रहा था, तो वहां रात्रि को रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम होते, तो वहां के सज्जन बोले कि आज रविंद्र जैन जी आए हैं और उनकी बहुत इच्छा है कि श्री ठाकुर जी मेरे कार्यक्रम में पधारे शाम को रात को। अरे हमने कहा हम तो छोटे छोटे थे तब से सुन रहे हैं इनको, मैं जरूर आऊंगा। ऐसे बढ़िया उन्होंने दो तीन भजन सुनाए, मन गदगद हो गया। फिर मुझसे बोले ठाकुर जी मैं पूरी भागवत का हिंदी पद्यानुवाद कर रहा हूं, यदि जीवन रहा तो छप गई तो आपको समर्पित करूंगा। कैसे कैसे लोग हैं। क्यों बनाई परमात्मा ने दुनिया, विदुर जी प्रश्न करते हैं, और यदि भगवान ने दुनिया बनाई तो एक जैसी क्यों नहीं बनाई, एक जैसी बनानी थी। कोई दुखी है तो इतना दुखी है कि सवेरे खा ले तो शाम के लिए घर में दाना नहीं है, और कोई सुखी है तो इतना सुखी है कि कितना मेरे पास है उसको स्वयं पता नहीं है। ये विषमता क्यों, विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं भागवत में, क्यों बनाई ऐसी दुनिया परमात्मा ने। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज, कोई गोरा क्यों, कोई काला क्यों, कोई लंबा क्यों, कोई ठिगना क्यों। कोई गोरा है तो छाती तान के चल रहा है, कोई काला है तो दिन भर पलस्तर रगड़ रहा है, हम भी गोरे हो जाएं। एक जैसी दुनिया होनी थी ना, सब प्रसन्न होते, सब सुखी होते, भाई मनुष्य नहीं होता। आहा। और तीसरा प्रश्न, ये परमात्मा नाटक क्यों करता है, राक्षस को जन्म देना, राक्षस के द्वारा पाप कराना, और राक्षस के द्वारा समाज के लोगों को तकलीफ देना, और लोग जब तड़पने लगे, लोग जब चिल्लाने लगे, त्राही त्राही करने लगे, तो बादल में से घटा में से बोलता है खबरदार मैं आ रहा हूं। अरे क्यों आ रहे हो भाई, पहले उसको भेज दिया, उससे हमें तकलीफ दिलवा रहे हो, तड़पा रहे हो, और अब घटा में से बोल रहे हो डरो नहीं डरो नहीं मैं आया, ये नाटक क्यों। विदुर जी प्रश्न कर रहे हैं, भगवान चाहे तो पापी को जन्म न लेने दें, और भगवान चाहे तो वैकुंठ में बैठकर पापी को मार दें। पहले पापी को जन्म देना, पापी के द्वारा पाप कराना, उसके तड़फन से लोग जब विकृत विकल हो जाएं, फिर कहना कि मैं आ रहा हूं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामी युगे युगे, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। क्यों ये नाटक क्यों, ये मेरे तीन प्रश्न जवाब दीजिए, माफ करना। मैत्रेय जी तो भरे हुए खड़े हैं। महात्मा मैत्रेय ने कहा विदुर इन प्रश्नों का जवाब तुम नहीं जानते ऐसा नहीं है, तुम्हें मालूम है, फिर भी तुम नासमझ बनकर पूछ रहे हो। क्यों कि कलयुग में आगे लोगों की समझ में आ जाए, इसलिए। अब देखो भगवान दुनिया बनाते हैं, ये भगवान की इच्छा है। क्रीडार्थमात्मन इदम् त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो परैः स कुर्युः
कर्तु प्रभोस्तम किमस्यत आवहन्ति त्यक्तव्रियस्तद परोपित कर्तृवादा। ये पूरा संसार परमात्मा की क्रीड़ा है, उसकी लीला है, वो लीला करता है, उसको अच्छा लगता है नए नए मॉडल बनाना, नए नए रंग बिरंगी दुनिया बनाना, ये उसकी लीला है विदुर। प्रश्न ये नहीं है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, प्रश्न ये है विदुर इतनी सुंदर कैसे बनाई, इतने भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर, तकरीबन 7-8 अरब लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, एक आदमी का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता, कितनी विचित्र बात है, और एक का दिमाग दूसरे से भिन्न है, ये कितना पवित्र विचित्र कंप्यूटर है सब में, और सबका निर्देशन वो एक जगह बैठकर करता है, ये कभी सोचा एक आदमी के पैर के नीचे चेंटी मर जाए तो वो कान पकड़ के कहते हैं राम 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 राम, गलती हो गई है भगवान, चेंटी मर गई। और कल भारत के एक प्रांत में 1 लाख से ज्यादा गौ हत्या कल हुई थी, जो दुर्भाग्य का दिन था, बोलो जय श्री कृष्ण। कितने जीवों की हत्या, कितने जीवों को काट कर रांध के मार के खा जाते लोग, ये भिन्न भिन्न प्रकार के कंप्यूटर हैं विदुर। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अब सोचना हमें यह है, इतनी सुंदर रचना, इतनी सुंदर दुनिया जिसने बनाई, वो स्वयं कितना सुंदर होगा, है ना विचित्र बात। नाम तुम्हारा तारन हारा कब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, उसकी रचना कितनी सुंदर है। दूसरी बात, भगवान किसी को दुख नहीं देता, परमात्मा किसी को सुख नहीं देता, विदुर समझना, हम दुख भी पाते हैं अपने कर्म से और सुख पाते हैं अपने कर्म से। भगवान किसी को सुख क्यों दे, ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हमें शुभ भी मिलता है हमारे कर्म से और अशुभ भी मिल रहा है अपने कर्म से। कर्म प्रधान विश्व रच राखा जो जस कर के सुतस फल चाखा। तीसरी बात, भगवान का अवतार किसी राक्षस को मारने को कभी नहीं होता, ऐसा भागवत ने वर्णन है। परमात्मा का प्राकट्य किसी राक्षस को मारने के लिए नहीं होता। और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है सुखदेव जी ने, किमर्त्यावतारस्ति अमर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायैव न केवलम विभो। मरण धर्मा लोगों को अपने चरित्र से शिक्षा देने के लिए परमात्मा का अवतार होता है। राम जी का अवतार रावण को मारने के लिए कभी नहीं हुआ, इनका अवतार तो संतों के लिए होता है, भक्तों के लिए होता है। राक्षसों को मारने भगवान क्यों आएंगे, ये तो मच्छर है। अब हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष दो प्रकट हुए माता दिति के घर, पृथ्वी समुद्र में डूब गई तो पृथ्वी को निकालने के लिए भगवान वराह बनकर आए, बोले वराह भगवान की, और समुद्र में डूब करके पृथ्वी को निकाल कर भगवान जब लाए तो रास्ते में हिरण्याक्ष मिल गया। अब ज्यादा उनको छेड़ाछाड़ी करने लगा, मेरी पृथ्वी मेरा है, तो भगवान ने तमाचा मार दिया, मर गया।
मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान बारह का अवतार हिरण्याक्ष के लिए नहीं, पृथ्वी के लिए हुआ था। परस्ता में कूड़ा करकट मिले तो हटाना तो पड़ता। भगवान आते हैं भक्तों के लिए, लेकिन जब आते हैं तो सोचते हैं भाई ये भारत हवेली है, जरा डिस्टेंबर चेंज कराओ। अब यहां आकर के देखते हैं तो रावण कुंभकर्ण जैसी चमगादड़ लपटी हुई है, शिशुपाल दंत वक्त जैसे मकड़ी के जाल लगे हुए हैं संशय के, और छोट भैया जेब कतरे, छोटे छोटे राक्षसों ने चूहे जैसे बिल बना रखे हैं हवेली में। भगवान कहते हैं जब आए ही हैं तो लगे हाथों इधर भी झाड़ू मारते चलो भैया, आए तो थे आपके लिए, बोलो जय श्री कृष्ण। तो मर्त्यावतारस्तु मर्त्य शिक्षणम रक्षो बधायै वन के बलम विभो। भगवान का प्राकट्य राक्षस को मारने के लिए क्यों होगा, उसको तो वहां से ही मार सकते हैं, कहो तो पैदा ही नहीं होने दें। लेकिन भगवान अपनी सृष्टि के क्रम में इंटरफियर नहीं करते। कर्म अकर्म विकर्म तीन तीन सूत्र हैं, वेद के अनुसार करोगे वो कर्म है, वेद के अनुसार नहीं करोगे वो अकर्म है, वेद के विपरीत करोगे वो विकर्म है। बुद्धि दे दी, शरीर दिया, ताकत दे दी, क्षमता दे दी, और कह दिया आप जैसा करो वैसा भरो, मेरा पीछा छोड़ो। लेकिन भगवान का अवतार भक्तों के लिए होता है। भगवान ने पृथ्वी की स्थापना कर दी, स्वयं वो मनु ब्रह्मा के बेटे हैं, उनसे कहा तुम सृष्टि का सृजन करो। स्वयं वो मनु की तीन बेटी हैं, आकुति देवहूति प्रसूति, उधर छाया के बेटा हैं ऋषि कर्दम, कर्दम के साथ में देवहूति की शादी करी। और मैंने आपसे कल या परसों कहा था कि हमारे जो वैज्ञानिक ऋषि हैं उनमें एक ऋषि कर्दम भी है, बड़ी सेवा की। उनके यहां नौ बेटियां हुई और दसवीं संतान के रूप में भगवान कपिल पधारे, जिसको हम फिलॉसफी बोलते हैं, दर्शन शास्त्र। फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के उद्गाता हैं भगवान महर्षि कपिल, जिसे सांख्य शास्त्र कहते हैं, शेष्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। भगवान श्री कर्दम जी तो अपनी नौ कन्याओं की शादी करके बड़े बड़े ऋषियों से, और बेटिया का जन्म होते ही वन को चले गए, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा थी एक पुत्र होते ही मैं गृहस्थ आश्रम छोड़ दूंगा। मैया ने मन में सोचा बेटियां पति के घर हैं, पति मेरे वन में चले गए, मुझे क्या मिला, वो भी अपना सर्वस्व छोड़ करके भगवान कपिल की कुटिया पर आ गई। और ऐसे अद्भुत, ऐसे सुंदर अद्भुत प्रश्न किए माता ने, भगवान कपिल ने उनका जवाब दिया, वो सांख्य है। और अंत में मैया ने पूछा तुम्हारे मिलने का सहज तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। अभी तीन दिन पहले जो दिल्ली हम कथा कर रहे थे उसमें कपिल देवहूति संवाद मैंने जरा विस्तार से कहा था, आपने देखा सुना होगा टीवी पे। भगवान कहते हैं कि मेरे मिलने के तीन साधन हैं, भक्ति भी, ज्ञान भी और वैराग्य भी। लेकिन सबसे सहज और सुगम साधन है भक्ति, और माता भक्ति की तीन धाराएं होती हैं। कौन कौन सी? भक्ति की प्रथम धारा का नाम है विश्वास। रक्षिष्यतीति विश्वासो गोपतृत्व वर्णम तथा। भगवान मेरे साथ में हैं और वो मेरी रक्षा करेंगे,
ऐसा विश्वास करो। और मैं बिना संकोच के आपसे निवेदन कर दूं तो मेरे मन में विश्वास यदि है तो इस माइक्रोफोन में भगवान है। सामने श्री भागवत जी पर विराजित पुष्प में भगवान है, उसकी सुगंधि में भगवान है, उसके कलर में भगवान है, है? आप में भगवान है, इनमें भगवान है, इनमें भी तो है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान गीता में कह रहे हैं। और विश्वास यदि नहीं है तो मंदिर में भी वो कहां मिलते हैं, मिले हो तो बताओ। परमात्मा का दूसरा नाम विश्वास है, माफ करना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो में जाना, वो प्रेम से प्रकट होता है, सर्वत्र व्यापक है, समान रूप से रहता है। तुम प्रेम से पुकार कर देखो और वो विश्वास से होगा, ध्यान देना। विश्वास करो। द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास हो रहा था दुर्योधन की कुत्सित सभा में, भगवान उसी सभा में तो बैठे थे। अरे जो प्रभु कण कण में बास करते हैं, क्या वो सभा में नहीं थे, बताओ। लेकिन भगवान ने सोचा द्रौपदी मुझे विश्वास से पुकारे तो मैं रक्षा करूं, क्योंकि रक्षा अपेक्षाम अपेक्षते, भगवान ये अपेक्षा तो रखते ही हैं कि आप उनसे रक्षा की अपेक्षा रखो। पर द्रौपदी ने तो कृष्ण को पुकारा नहीं। द्रौपदी कहती है भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य इन बड़े बड़े दिग्गज अतिरथी वीरों के रहते हैं, मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है। भगवान बोले बाबाओं का भरोसा है, देख लो। भीष्मादि तो नीचे सिर करके बैठ के क्या जवाब देंगे। अब भगवान ने सोचा अब शायद मेरा नंबर आ जाए, मुझे द्रौपदी पुकार ले और मैं बचा दूं। द्रौपदी कहती है युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव इन पांच वीर तिरथी वीर पतियों के रहते हैं, मुझे कोई निर्वस्त्र कर सकता है। भगवान बोले पतियों का भरोसा है, थोड़ा ये भी देख लो। पति क्या करें, वो तो दास बन गए, जुए में हार गए, कुछ नहीं हुआ। तब मेरे गोविंद ने सोचा अब द्रौपदी मुझे पुकारेगी और मैं बस एक सेकंड में पहुंचा। लेकिन द्रौपदी ने फिर भी भगवान को नहीं पुकारा। मैं क्षत्रिय की बेटी हूं, क्षत्रिय की पत्नी हूं, अपनी रक्षा करना मुझे स्वयं आता है, है? और साड़ी को कसके ऐसे पकड़ लिया। भगवान बोले अभी अपना भरोसा है, होने दो। लेकिन द्रौपदी अब देखो, दुशासन तो भैया अतिरथी वीर है, महारथी है, उसके सामने से राज महिषी की क्या चले। राज घराने में अंतपुर में निवास करने वाली यद्यपि द्रौपदी वीरांगना है, लेकिन दुशासन तो परम वीर है। द्रौपदी ने देखा दादाओं ने बचाया नहीं, पति कुछ कर नहीं पा रहे, मैं भी अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती, कृष्ण भी चुपचाप बैठे, होने दो। तब द्रौपदी ने क्या किया मालूम, दोनों हाथ छोड़ दिए, जो साड़ी पकड़ी थी उसको भी छोड़ दिया और ऊपर हाथ करके नेत्र बंद करके बस केवल प्रभु को पुकारा। श्री कृष्ण द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवै परिभूतां माम किं न पश्यसि केशव। हे द्वारिका वासिन, हे गोपीजन वल्लभ, हे राधिका प्राणाधार गोविंद, तुम्हारी बहन द्रौपदी के साथ में ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, क्या तुम्हें यह सब दिखाई नहीं देता। किं न पश्यसि, क्या तुम देख नहीं रहे हो।
कृष्ण बोले बस यही तो चाहता हूं कोई इतने विश्वास से मुझे पुकारे। आना क्या था, वो तो वहीं थे, सारी बीच नारी है किनारी बीच सारी है, सारी ही किनारी है किनारी ही की सारी है। दुशासन की भुजाएं थक गईं, वो अतिरथि वीर खींचते खींचते पसीने पसीने हो गया, गिर पड़ा, मूर्छित हो गया, लेकिन द्रौपदी को निर्वस्त्र नहीं कर सका, उसकी आबरू को नष्ट न कर सका, उसकी सुरक्षा मेरे गोविंद ने की, ये विश्वास है। इसलिए भागवतकार कहते हैं विश्वासो फलदायक, विश्वास है तो सब जगह है वो। अपबल तपबल और बाहुबल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथों है बलदान, सूर किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरि नाम, सुनरी मैंने निर्बल के बलराम। सूरदास जी कह रहे, सूर किशोर कृपा से सब विधि हारे को हरि नाम। विश्वास करो, और भक्ति की दूसरी धारा है माता संबंध जोड़ो, परमात्मा से संबंध जुड़ना चाहिए, बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। तुम्हें जो संबंध अच्छा लगे, भगवान को अपना गुरु मान लो, कृष्णम वंदे जगतगुरु, भगवान को भाई मान लो, द्रौपदी मानती है, आहा, कोई संबंध जुड़े, बिना संबंध के भक्ति नहीं होती। कितने संबंध, नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मोसमान आरत नहीं आरत हरि तोषो, ब्रह्म तू हो जीव तू है ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सखा तू सब विधि तू मेरो, और मोह तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यो त्यो तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। कोई संबंध प्रभु से जोड़ो जो तुम्हें अच्छा लगे, उसको जोड़ सकते। और माता भक्ति की तीसरी धारा है समर्पण, परमात्मा में समर्पित हो जाओ। मम नाथ यदस्ति अस्म्यहम् सकलं तद्धितवैव माधव, नियत स्वामिति प्रबुद्धधि अथवा किं नु समर्पयामि ते। ऐसी कौन सी वस्तु है, ऐसा कौन सा पदार्थ है मेरे गोविंद, जिसको मैं अपना कहकर तुम्हें दूं। सब कुछ तो तेरा है, प्रभु के प्रति समर्पित हो जा। यत करोषि अनस्नासि यज्ञोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। जीवन में जो कुछ भी तुम करते हो, पूजा है, पाठ है, धर्म है, कर्म है, पुण्य है, दान है, तत्कुरुष्व मदर्पणम्, वो मुझे अर्पण कर दो। भगवान कहते हैं मन मनाभव मदभक्तो मदियाजी माम नमस्कुरु, भक्त मेरे बनो, मन मुझ में लगाओ, नमस्कार मुझे करो।
और लास्ट में तो गोपाल जी ने कमाल कर दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तुम सब छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, समस्त पापों से तुम्हें मुक्ति दूंगा, सोच मत करो। कैसा सुंदर निर्मल भाव है। मैं आपसे निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं कि भक्ति की जो तीन धारा हैं, तीनों ही उपयोगी हैं। विश्वास करो, संबंध जोड़ो, समर्पित हो जाओ। अच्छा लगा। लेकिन मैया भी तो आखिर भगवान कपिल की मां है। मैया बोली, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, संबंध जोड़ लो, विश्वास कर लो, समर्पित हो जाओ, ये क्रियान्वित प्रैक्टिकल कैसे हो? भगवान में विश्वास जुड़े कैसे? जुड़े संबंध कैसे जुड़े? माला लेके बैठते हैं, मन कहीं भटकता है, आरती कर रहे हैं, आरती गाते गाते रामू को डांट रहे हैं, बहू को डांट रहे हैं, पोता आ गया उसको डांट रहे हैं, अरे सुनते नहीं क्या, इधर पहुंचा नहीं लगा, फिर सुख संपत्ति घर आ गए, शुरू हो गए। कैसे होगा? कपिल बोले, मां विश्वास, संबंध और समर्पण तीनों को पुष्ट बनाना है तो सरल तरीका है, सहज तरीका है, नाम जपो। नाम जपने से विश्वास भी बढ़ेगा, संबंध भी जुड़ेगा और समर्पण भी होगा। ये अकेले नाम में ताकत है। त्रिनादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देना कीर्तनीय सदा हरि। तिनके से भी ज्यादा अपने को छोटा मानो और वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील बनो। अमानी बनकर के रहो, दूसरे को सम्मान दो और कीर्तनीय सदा हरि, हरि के नाम का कीर्तन गाओ। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, हर परिस्थिति में गोविंद नाम जपो। नाम गाने सदा रुचि, नाम गान में रुचि होनी चाहिए माता। अब तो सुनते सुनते माता देवभूति इतनी भाव निमग्ना हो गईं, आंखें बंद हो गईं, कृष्ण कीर्तन करने लगीं और कीर्तन करते 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 वो सिद्धिदा नाम की नदी बन गई। वो सिद्धिदा नदी ही बाद में वो क्या साबरमती नदी बोलते हैं उसे। ये कपिल की माता देवभूति तो है। भगवान कपिल ने माता जी जो नदी बन गई उनके जल को आंखों से लगाया और सीधे वन को चले गए। यही दमन सुनो तिजो विधत्ते कपिल मुनेर मत महात्म योग गुहियम भगवती कृतधी सुपर्ण खेता उपलभते भगवत पदारविंदम। भगवान कपिल जी का जो मंगल में ये चरित्र है, इसको सुनने से भगवती कृतधी ही हमारी बुद्धि भगवनमयी बनती है और हमारे कर्म श्रेष्ठ बनते हैं। उपलभते भगवत पदार बिंदम, भगवान के पादार बिंदों में प्रीति बढ़ जाती है। अच्छा लगा। मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं विदुर जी को, देवहूति की दूसरी बहन यानी स्वयंभू मनु की दूसरी बेटी है आकूति, ये रुचि प्रजापति की पत्नी बनी, भगवान यज्ञ बनकर आए, और तीसरी बेटी प्रसूति है जो प्रजापति दक्ष की पत्नी बनी और उन्हीं की बेटी है सती। भागवत में बड़ी सुंदर कथा है सती की।
पर ये दक्ष की बेटी है ना, तो इसमें बुद्धि तत्व ज्यादा है, और जिनमें बुद्धि तत्व ज्यादा होता है ना, वो हर चीज को अपनी बुद्धि से तोलने का प्रयास करते हैं। भगवान शिव से शादी हो गई, शंकर के संग गई थी कथा सुनने, तो ऋषि की सरलता का गलत अर्थ लगाया और सीता बनकर राम जी की परीक्षा ले ली। बुद्धि तत्व का यही काम है। भगवान शिव ने उनको त्याग दिया। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अगत जी सती असनारी। सती को छोड़ दिया और अपने पिता के मंडप में गई, यज्ञ में वहां देह का त्याग कर दिया। अस कहे योग अगनि तनु जारा। लेकिन सती मरन हरि सन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मृत्यु के समय सती ने हरि से वर मांगा। और एक बात बताऊं, व्यक्ति की अंतिम इच्छा ही दूसरे जन्म का कारण बनती है, अंतिम इच्छा ही दूसरे जन्म को प्रस्तुत करती है। और वो पर्वतराज हिमालय की बेटी पार्वती बनी, भगवान शिव को पति रूप में पुनः प्राप्त किया। तो शंकर तो विश्वास हैं और पार्वती अम्मा जो हैं वो श्रद्धा है। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तम ईश्वरम, रामायण में लिखा है। बिना श्रद्धा के विश्वास को भटकना पड़ता है और बिना विश्वास के श्रद्धा को जलना पड़ता है। लेकिन काम कब बनता है? जब दोनों एक हो जाएं, एक बन जाएं। भगवान शिव का दरबार हमें यही शिक्षा तो देता है। जीवन में एकता लाइए, जीवन में समता लाइए, बिना समता के कैसे चलेगा? बिना समता के नहीं चलता। भगवान शिव का वाहन है नांदिया, उनकी पत्नी का वाहन है शेर। अब आप बताओ, शेर और नांदिया एक संग रहेंगे तो शेर कभी छोड़ेगा? लेकिन यहां दोनों नमः शिवाय बोलते हैं। शिव जी के गले में सांप है, हाँ, काला नाग, और उनके छोटे बेटे का वाहन क्या है बताओ? चूहा। अब सांप कभी चूहा को देखेगा तो छोड़ेगा क्या? शिव जी के बड़े बेटे कार्तिक स्वामी, छोटा बेटा गणेश जी महाराज। अब शिव जी के गले में सांप है तो बड़े बेटा का वाहन है मोर। आपको मालूम है मोर यदि सांप को देख ले तो उसको मार ही देता है तुरंत, और पंजे में भर के ले जाता है, ऊपर उड़ जाता है और फिर पेड़ से पटक पटक के मार देता है। लेकिन ये दोनों संग रहते हैं। बताओ, शिव जी के गले में विष है तो माथे पर चंद्रमा जिससे अमृत टपकता है, एक साथ सारी चीजें। ये भगवान त्रिवटी नाथ का जो हमें दर्शन होता है, ये समता का दर्शन है। जहां तीन बट हैं, तीनों बटों को जिसने अपने बस में किया वही तो त्रिवटी है। बोलो जय श्री कृष्ण। सत्व गुण रजोगुण तमोगुण तीनों को बस में करके और त्रिशूल रखे, तीन शूल हैं हमारे जीवन के, काम क्रोध लोभ, इन तीनों को बस में जो करता है वही त्रिवटी नाथ है। बोलो जय श्री कृष्ण। है ऐसे भगवान शिव का दर्शन हुआ। लेकिन स्वयंभू मनु के दो पुत्र हैं,
कि प्रिय व्रतोत्तान पादौ शतरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ। बेटा है उत्तानपाद, उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। एक पत्नी का नाम है सुनीति, जिनके पुत्र नहीं है। राजा ने दूसरा विवाह कर लिया, सुरुचि आ गई। अब सुरुचि बोली, ये रहेगी तो मैं नहीं रहती। व्यक्ति जब अपनी रुचि पर चलता है तो सुनीति नहीं टिक पाती। सुरुचि का मतलब है स्वस्य रुचि, जो मन में आया सो खा लिया, जो मन में आया सो बक दिया, जो मन में आया सो बोल दिया, यह सुरुचि है। और शास्त्र की नीति सुनीति है। सुनीति को राजा ने निष्कासित कर दिया, तब वो सगर्भा थी और दूसरे महल में महल बना के दे दिया होगा। वहां गई तो उन्होंने सुंदर पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम ध्रुव है। सत्संग में जाती, कथा में जाती, बेटे को साथ लेकर के जाती, जरूर जाओ। बच्चों में संस्कार पढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति के विनाश में कॉन्वेंट स्कूलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। कम से कम बच्चे संस्कारवान बनेंगे, सत्संग में लाओ, छोटे बच्चों को लाओ। कई लोग कहते हैं हमारे छोटे बच्चे आते हैं डिस्टर्ब करते हैं। मैंने कहा करने दो, थोड़ा करेंगे तो सहलेंगे हम। भैया इतने हैवी माइक हम लोगों के होते हैं कि छोटे बच्चों की आवाज तो सुनाई नहीं देगी क्या कर रहे हैं। अब बाल गोपाल ने थोड़ा नाटक तो करेंगे, और नाटक करते करते भी यदि वो सुनेंगे तो कुछ तो कान में जाएगा। जरूर बच्चों को साथ लाओ, हमारे देश का भविष्य है वो। माता सुनीति ध्रुव को अपने साथ लेके जाती। एक दिन संतों ने कहा, तू बहुत अच्छी है बेटी, क्या चाहिए तुझे? बोले, मांगना क्या है बाबा, आप महापुरुषों का दर्शन मिल गया, कोई अभिलाषा नहीं, सत्संग मिलता रहे। नहीं बेटी, तेरा बेटा यशस्वी होगा, तपस्वी होगा, बाबा छोटी पत्नी को भी पुत्र होना चाहिए, जरूर उसे पुत्र होगा जिसने तुझे घर से निष्कासित कराया, क्योंकि तूने कहा है। छोटी पत्नी ने बच्चे को जन्म दिया, नाम उत्तम है। एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारुप्य लालयन् उत्तमं नारुरक्षन्तम् ध्रुवं राजाभ्यनन्दत। बहुत सुंदर भाव। पिता की गोद में चढ़ने के लिए ध्रुव जी गए। पिताजी पिताजी, पिता तो चाहता था कि गोद में ले लूं, लेकिन छोटी पत्नी ने फटकार लगाई ध्रुव की सौतेली माता ने, नहीं, इस गद्दी पर बैठने का तेरा अधिकार नहीं है। ध्रुव जी बोले, मेरे पिताश्री नहीं है क्या? बोले, पिता तो है पर मैं तेरी मां नहीं हूं। किन वत्सन पतेर्धिष्ण्यम भवानारोधुमर्हसी न ग्रहीत्वं मयायस्तुं कुक्षं अपि न पात्मज। यदि तुझे इस गद्दी पर बैठने की ज्यादा इच्छा है तो जंगल में जा। कि तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधे आत्मानं यदि च चिन्पासनम्।
जंगल में जाओ और भगवान की तपस्या करके उनसे कहो क्या चाहिए, तो कहना ऐसा वर दे दो मैं सुरुचि के उदर में चला जाऊं, भगवान की कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लेगा, उसके बाद इस मंच पर बैठेगा, पहले नहीं। बालानां रोदनम बलम। बालकों का सबसे बड़ा बल तो रोना होता है। वे रोते रोते माता सुनीति के पास में आए। सुनीति ने दौड़कर मंच में गले से लगाया, क्या हुआ बेटे, ऐसे कौन से सदगुण विद्यमान हैं सुरुचि में जो आप में नहीं माता, यदि वास्तव में आपका पुत्र हूं तो एक एक शब्द का बदला लेकर के मानूंगा। बोले नहीं बेटा, किसी के प्रति ऐसा मंगल भाव मत करो। वो सुंदर नीति है, मां मंगलम तात परे सुमंस्ताम भुंते जनो पर दुख दस्त सत्यम सुरुच्या भवान युर्भगाया उदरे गृहीता। किसी प्राणी के अमंगल की कामना मत करो। देखो सुनीति शिक्षा दे रही है ध्रुव को, वो भी तेरी मां है। क्या कहा उसने, बोले हमसे कहती है वन में जाकर तपस्या करो भगवान की तपस्या से मेरे उधर। अरे बेटे, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा देवे वो शत्रु कभी नहीं हो सकता। और तू इस पिता की गोद में बैठने की बात करता है, ये हाड़ मांस का पुतला पिता इसकी गोद में चढ़ने के लिए तुम आग्रह करता है। तेरी छोटी मां ने तो तुझे परम पिता की गोद में बैठने की आज्ञा दे दी। कुछ भी गलत मुझे नहीं लगता, तू कल जाए वन में तो आज चला जा, आज जाए तो अभी चला जा, बस इतना समझ ले कि गोविंद तेरे साथ है, उसके बिना जीव नहीं रह सकता। और तू जानता नहीं अभी बालक है ना, कि तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्ष विमृक्ष पदाब्ज पद्धति अनन्य भावे निज धर्म भावते मनस्समस्थाप्य मनस्व पुरुषम। अनन्य भाव से उसकी उपासना कर। वो क्या है, बोले भृत्य वत्सल है, उसी को हम लोग भक्त वत्सल कहते हैं, संस्कृत में उसका नाम है भृत्य वत्सल। भृत्य माने भक्त, भक्त माने भृत्य। और मुमुक्ष भिद मृग्य पदाब्ज पद्धति, वो शरणागत वत्सल है बेटा। अनन्य भावना से उसकी उपासना कर, तेरा कल्याण होगा। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मां कोई एड्रेस, मैं उनसे मिलने जाऊं वो कहां रहता है। सब जगह है। कौन है गुलशन के जैसे गुलशन में रोशन तू नहीं। गोस्वामी बिंदु जी का बहुत अच्छा पद है, कौन है वह गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। जब जिलाना मारना भी एक तमाशा है तेरा, क्यों न फिर देखो हाथों में तेरे दिल दूं नहीं। ना समझ था तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ संग दूं तुझे,
ना समझता तो ये ख्वाहिश थी कि कुछ समझूं तुझे, जब समझ आई तो यह समझा कि कुछ समझूं नहीं। बिंदु कहता है कि मैं जब जुदा दरिया से है, मिल गया दरिया में फिर कहता है कुछ भी हूं नहीं। कौन है गुलशन के जिस गुलशन में रोशन तू नहीं। सब में वो है, और ऐसी कौन सी जगह जहां वो नहीं है। हाँ हाँ, बिदुर जी सीधे जा रहे हैं। गुरुबिन भवनिधि तरहिन कोई, जो बिरिंच शंकर सम हो। देखो जीवन में गुरु चाहिए, ध्यान से सुनना। गुरु बहुत ऊंची पद्धति का नाम है। ब्रह्मा भी गुरु है, शिव भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है। शिवजी के बारे में रामायण जी में लिखा है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव त्रिभुवन के गुरु हैं। ये जो हम लोग मंत्र बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, हाँ चौकी पर गुरु जी बैठे रहते हैं पाउडर फोडर लगा के, और चेला गाते हैं फिर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु जी फूल जाते हैं, मैं ही ब्रह्मा मैं ही विष्णु का बाप मैं ही शंकर मैं ही सब हूं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब है ब्रह्मा भी गुरु है, विष्णु भी गुरु है, भगवान महेश्वर भी गुरु है, और जो परब्रह्म है वह भी गुरु है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक और ध्यान देना, गुरु भगवान का विशेष पात्र है, गुरु भगवान का विशेष कृपा पात्र है, भगवान नहीं है। ये गड़बड़ी तभी से हो गई जब से हमने हार्ड मांस के पुतले वालों को भगवान मानना शुरू कर दिया। उसका रेस्पेक्ट करो, उसमें दोष नहीं है, आदर करो सम्मान करो रेस्पेक्ट करो, भगवान से पहले प्रणाम करो, उसमें भी दोष नहीं है, लेकिन वो भगवान नहीं है ये कंफर्म है। और मुझे इस्कॉन की ये पद्धति बड़ी अच्छी लगती है। आपने इस्कॉन के मंदिर देखे होंगे, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ, जिसको इस्कॉन बोलते हैं संक्षिप्त में, ऐसी सुंदर पूजा करते हैं भगवान की। अब देखो मंदिर में श्री राधा कृष्ण हैं, निताई गौर हैं, सीताराम हैं, और बिल्कुल सामने गुरु जी की मूर्ति रखते हैं। अब रेस्पेक्ट देखना, भगवान की आरती करेंगे और भगवान की आरती करके हम लोग ऐसे लेते हैं ना, तो हमें न देकर पहले वो आरती गुरु जी को देंगे। देखो सम्मान। फिर पानी की ऐसी आरती करके हम लोग पानी छींटते हैं, तो जनता पर छींटने से पहले वो गुरु जी के ऊपर छींटेंगे। गुरु जी का सम्मान पूरा है, लेकिन भगवान नहीं है ये कंफर्म है। बोलो जय श्री कृष्ण। ये होना चाहिए। गुरु वही है जो तुम्हें परमात्मा से मिलाता है, गुरु वही है जो तुम्हें भगवान से मिलाता है। आरतियां छप गई,
कईयों को तो मैंने ऐसे देखा है, पूछो ही मत महाराज, लाल पड़ रहे हैं, आरती पर आरती हो रही है, पैर धुल रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर आरती। हाँ, अब कवि को 500 रुपए दे दो, आरती छब्बा लो अपनी। जब लालू 40 बन सकता है, वसुंधरा 40 हो सकता है, तो आपकी आरती बन जाए, इसमें कौन बड़ी बात है? बोलो जय श्री कृष्ण। जहां पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेकिन इससे हम भगवान नहीं हो जाते, हम भगवान नहीं बन जाते, ये बहुत बड़ा रॉन्ग, ये गलत है। उसका आदर करो, सम्मान करो। और मैं कह रहा था हमारी सिख संस्कृति में कितनी सुंदर पद्धति कि गुरु ग्रंथ साहब ही अब गुरु हैं, इन्हीं को गुरु मानो, झंझट ही खत्म। मैं गुरु के, मैं गुरु, मैं गुरु के, मैं गुरु। और कृष्णम मंदे जगत गुरु, लेकिन तुम्हें कोई सहज संत मिले, तुम्हें कोई सरल संत मिले, मिले कोई ऐसा संत फकीर, आहा, पहुंचा दे भव दरिया के तीर, ऐसा कोई संत मिले, फकीर मिले, जो तुम्हें भव सागर के परली पार पहुंचा दे, पार लगा दे, वो गुरु है। जितना जीवन में त्याग होगा, जितना जीवन में भगवत भक्ति होगी, ऐसा ही गुरु तुम्हें भगवान के निकट जल्दी पहुंचाएगा। और कोई नहीं बनाता शिष्य तो मन से मान लो गुरु, जरूरी थोड़ी है कि कान फूके तो ही गुरु होंगे, मन से मान लो। हमारे यहां संत हुए थे स्वामी राम सुखदास जी महाराज, मैंने कई बार दर्शन किया, बहुत कथाएं, जब ऋषिकेश में मैं करता था वानप्रस्थ आश्रम में, तो महाराज जी का सवेरे 5 बजे सवेरे होता है ना उनका सत्संग प्रार्थना, मैं उसमें पहुंच जाता चुपचाप और एकदम जनता में जाके बैठ जाता, आनंद लेता। पर वो देख लेते तो मुझे बुला लेते, बोले इधर आओ, वहां कैसे बैठ गए? अरे मैंने कहा सबके बीच में आनंद आता है, बड़े सरल संत, कोई आश्रम नहीं, कोई चेला चेली नहीं, पैसा जीवन में छुआ नहीं, शिष्य किसी को बनाते नहीं, पर उनको लाखों अपना गुरु मानते, तो मानते रहो, अपना चरण भी छुबाते नहीं थे, ऐसे ज्ञानी। किसी ने उनसे पूछा आप चरण क्यों नहीं छूने देते, चरण क्यों नहीं धोने देते, तो स्वामी जी ने सत्संग में कहा, भैया मेरा चरण धोकर पीने से तुम्हारा कल्याण हो जाए तो पूरा शरीर धो के पी लो, मेरा क्या बिगड़ता है। लेकिन ये कन्फर्म है, चरण धोने से कुछ होगा नहीं, चरणामृत पीने से कुछ होगा नहीं, मैं जो गोविंद की वाणी श्रीमद भगवत गीता कहता हूं उस पर अमल करोगे तो ही कल्याण होगा, और कोई तरीका नहीं। ऐसी सुंदर बात उन्होंने अपनी वसीयत लिख दी, उसमें लिखा था ये शरीर मर जाए तो इसको गंगा में फेंक देना, और यदि शरीर में रोग हो तो मत फेंकना, नहीं मछली बीमार हो जाएगी। मेरे नाम का कोई स्मारक नहीं, मेरे नाम की कोई संस्था नहीं, मेरे नाम की कोई समाधि नहीं, कोई मंदिर नहीं, फोटो तो उनका होता ही नहीं था, ये सब नहीं होना चाहिए। केवल उपदेश पर अमल करो, शरीर की पूजा नहीं, देह पूजा नहीं। ऐसे महापुरुष के दर्शन भगवत दर्शन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, ध्रुव जी को नारद जी मिल गए और नारद ने ध्रुव जी को बहुत सुंदर उपदेश किया, प्राणायामेन त्रिविता त्रिवित ब्रह्माक्षरम परम। प्राणायाम के द्वारा श्वास पर काबू करना बेटे, और यहां से सीधे जाना मधुबन में,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जाप करना। ओंकार कहते हैं ब्रह्म को, नमः कहते हैं नमस्कार को, और भगवते वासुदेवाय का मतलब क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्त्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव खण्डं भग इतिर्यते, और भग अस्ति अस्य इति भगवान, और वासुदेवाय वसत सर्वम इति वसुदिव्यते इति देवः, वसुश्चासौ देवश्च वासुदेवः। वासुदेव का मतलब है जो कण कण में रहकर भी दुनिया को प्रकाश दे, वो वासुदेव है, ऐसे भगवान वासुदेव। ध्रुव ने इस मंत्र का जाप किया, प्राणायाम करके श्वास पर काबू किया, और 5 महीना में भगवत दर्शन हो गया ध्रुव जी को। भागवत में ये नहीं लिखा कि भगवान ध्रुव जी का दर्शन देने आ रहे हैं, भागवत में लिखा है भगवान ध्रुव जी को ध्रुव जी का दर्शन करने आ रहे हैं। मधुर वनम वृत्र दिदीक्षयागत, ध्रुव ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति गाई। योन्त प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुक्तां संजीवयत् किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांस्त हस्त चरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव ने भगवान की स्तुति गाई, भक्ति को चाहा, लौट करके अपने माता पिता के पास गए, सौतेली माने गले से लगाया। पिताजी बोले जीवन का भरोसा नहीं है, राज्य गद्दी तुम ही संभालो, अपन तो जाते हैं भैया, वन में चले गए। ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम यक्षों के बगीचे को उजाड़ने लगे, मारे गए, यक्षों ने मार दिया, तो क्रोध में भर के ध्रुव जी यक्षों को मारने आए, ऐसा लिखा है। एक बात बताओ, भगवान जिसको मिल जाए उसको क्रोध आना चाहिए क्या? ध्रुव जी को तो भगवान मिल गए थे, भगवान ने ध्रुव को दर्शन दिया था, फिर अपने छोटे उद्दंड भाई की मृत्यु के बाद क्रोध में भर के ध्रुव जी सेना लेकर यक्षों पर टूट पड़े, ऐसा लिखा है क्यों? भगवान का दर्शन जिसको हो जाए उसको तो क्रोध आना ही नहीं चाहिए। तो संत जन कहते हैं कि ध्रुव जी को भगवान का दर्शन तो मिला था पर अभी सत्संग नहीं मिला था। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का दर्शन होने के बाद भी मन में क्रोध रह सकता है। दुर्योधन ने अपने जीवन में कम से कम 200 बार कृष्ण का दर्शन किया था, किया था कि नहीं बताओ? उसने क्रोध को जीता क्या? काम को जीता क्या? शिशुपाल भी कृष्ण से 15-20 बार तो आराम से मिला था, कभी क्रोध को जीता क्या? 99 गाली कृष्ण को देकर तो ब्रेकफास्ट करता था। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक 99 गाली कृष्ण को न दे दे तब तक नाश्ता नहीं करता था शिशुपाल। भगवान की खास बुआ का बेटा है शिशुपाल, और कृष्ण शिशुपाल के खास मामा के बेटे हैं, और यह शिशुपाल पांडवों की खास मौसी का बेटा है, लगा लो ऐसा। 99 गाली रोज कृष्ण को देगा फिर ब्रेकफास्ट करेगा, क्रोध को जीता क्या? राजा बोले इसका मतलब तो ये, आप ये बताना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से भी ज्यादा महत्व तो सत्संग क्या है? बोले है ही। तुल्याम लवेनापी न स्वर्गम न पुनर्भवम, भगवत संग संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिष। तुल्याम लवे नापी, एक क्षण का भी यदि किसी महापुरुष का सत्संग मिल जाए,
उसकी बराबरी वैकुंठ स्वर्ग और मुक्ति भी नहीं कर सकती। इसी को ट्रांसलेट किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्य तुलायक अंग तूलनता ही सकल मिली जो शुक्लभ सत्संग। एक क्षण का सत्संग जो हमें मिलता है उसकी बराबरी मोक्ष नहीं कर सकता। और ध्रुव जी जब यक्षों को मारने लगे तो स्वयंभू मनु आकाश से उतरे जो ध्रुव के खास बाबा हैं। उन्होंने ध्रुव से कहा ना ना बेटा ना नायम मार्गो ही साधु नाम ऋषि के शानुवर्ति नाम। भगवान ऋषिकेश के अनुवर्ती जो संत साधु भक्त हैं उनका ये मार्ग नहीं है जिस पर तू चल रहा है। ये तुम्हें नहीं करना चाहिए। तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। साधु का भूषण क्या है? कष्ट को हंस करके सहो और प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव रखो, सबके प्रति सौहार्द रखना। सौहार्द का मतलब यह नहीं है कि एक तमाचा इधर मार दिया तो बोले इधर और रह गया है, नहीं नहीं, सौहार्द का मतलब है नाजायज मत सताओ, पर तुम्हें कोई सताए तो सहना भी पाप है। ये साधु का भूषण है। स्वयंभू मनु महाराज से उपदेश सुनकर के ध्रुव जी के मन में ग्लानि हो गई और वे लौट कर घर आ गए। अपने बेटा से कहा तुम राज्य संभालो। उत्कल को राज्य देखकर के महात्मा ध्रुव जी वन को चले गए और वन में जाकर के मन को धीरे 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 भगवान में लगाया। तो कहते हैं भगवान के धाम से विमान आया, ध्रुव जी बैठने लगे विमान में। एक माता जी आ गई बड़ी जबरदस्त काली अम्मा। ये काली माता जी का नाम था मौत। हाथ जोड़कर बोली कहां जा रहे हैं आप? ध्रुव जी बोले माता भगवान के धाम से विमान आया है, हमको ये ले जा रहे हैं ऊपर। मैया ने कहा स्वर्ग में जाओ चाहे वैकुंठ में जाओ चाहे मुक्ति पाओ, पर पहले मुझे स्वीकार करो। ब्रह्मा जी का जो लोक है उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं, शिव जी का जो लोक है उसको शिवलोक बोलते हैं, और हम लोग जिस लोक में रहते हैं इसको मृत्युलोक बोलते हैं। मृत्युलोक क्यों बोलते हैं कि यहां जो भी जन्म लेते हैं सबको मरना पड़ता है, बिना मरे तो इधर से कोई जाता नहीं। कोई गया हो तो बताओ, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बधा जंजीर। यहां जो भी जन्म लेगा उसको मरना पड़ता है, इसलिए मृत्युलोक है। 4 बजे गद्दी पर बैठते समय शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है, और अब जैसा है वैसा 2 मिनट बाद नहीं रहेगा। ये परिवर्तन ही मौत है। परिवर्तन ही संसारे मृतक को बा न जायते है, यही हमें समझना है। कि सर्वेक्षयांतान जया बतरांता समुश्रया संयोगस्य वियोगांता जीवितं मरणावधि।
यहाँ संयोग का अंत वियोग में होता है और जीवन का अंत मौत में होता है। मुझे स्वीकार करो, मैं मौत हूं। ध्रुव ने विमान में बैठे भगवान के पार्षदों को देखा, पार्षद बोले अम्मा जी से बोलो जरा सिर नीचे करे। ध्रुव जी ने कहा मर जाएंगे, आप बोलती हो तो जरा सिर नीचे करो। अब मौत ने सिर झुकाया तो भगवान के पार्षद बोले जल्दी आओ और ध्रुव का हाथ पकड़ा। ध्रुव ने मृत्यु के सिर पर अपने पैर को रख के सीढ़ी बनाया और विमान में बैठ गए। और जैसे ही मृत्यु ने सिर उठा करके देखा तब तक तो ध्रुव जी का विमान आकाश में चला गया। बोलो जय श्री कृष्ण। इसका मतलब क्या है? मृत्यो मूर्ध्निम पदम दत्वा आरोहास पदम ध्रुवम। मृत्यु के सिर पर पैर रखे चले गए। भगवत भजन करने वाला व्यक्ति मौत को जीत सकता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है। मौत जीती जा सकती है। ध्रुव जी जा रहे थे, बोले हमको नहीं जाना। बोले क्यों? बोले मां तो रह गई, जिस मां ने मुझे भगवान में लगाया, मां सुनीति को छोड़ के नहीं जाऊंगा। बोले आगे एक और विमान जा रहा है, उसमें आपकी मातोश्री विराजमान है। माधव का सहारा जिसको मिल जाए, माधव का आश्रय जिसको मिल जाए, उसको फिर भटकना नहीं है। ध्रुव के बेटा उत्कल हुए, उत्कल के अंग अंग के बैन बैन के पृथु पृथु के अंतर्धान, उनके हविर्धान, उनके प्राचीन बरही, उनके प्रचेतनागण, पर उनके बेटा हुए प्रजापति दक्ष। इस प्रकार से उनकी संपूर्ण वंशावली का व्याख्यान यहां पे किया गया। प्रियव्रत उत्तानपाद के भाई हैं। प्रियव्रत के बेटे अग्निद्र हुए, अग्निद्र के नाभि, नाभि के ऋषभ, ऋषभ के भगवान जड़ भरत जी महाराज। उन भरत के नाम से इस राष्ट्र को भारतवर्ष कहते हैं। बड़ा अद्भुत उनका जीवन है भरत जी का। बेटा सुमति को राज्य देकर के ऋषभ के बाद वे चले गए वन को, लेकिन गंडकी नदी में हिरण के बच्चे के प्रति आकर्षण हो गया है और हिरण की याद करते करते मर गए, तो मरने पर हिरण बनना पड़ा। और तीसरी बार वे जड़भरत बनकर के पधारे और वो पूर्व जन्म का हिरण रहुगण बनकर के गया, उसको आत्मोपदेश किया, भवाटवी का वर्णन, भवाटवी का स्पष्टीकरण किया। इन भरत महाराज जैसे मनीषियों के जन्म से इस राष्ट्र को भारतवर्ष कहते हैं। तत्रापि भारतम एव वर्षम कर्मक्षेत्रम। अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, बुरा करोगे तो नरक मिलेगा, और भक्ति करोगे तो गोविंद मिलेगा। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा परीक्षित ने का एक प्रश्न करना था मुझे, बोलो। मान लीजिए हमसे कोई अशुभ कर्म आ जाए, ये बड़े ध्यान से सुनना, हमसे कोई बुरा कर्म बन गया और हमें मालूम नहीं था कि ये बुरा कर्म है, और उसके बदले हम नरक में जाना नहीं चाहते, तो हमें क्या करना चाहिए? कर्मणा कर्म निर्हारो न यातिन्ति कैष्यते अविद्वद्कारित्वा प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। यदि किसी बुरे कर्म के बदले हम नरक में जाना नहीं चाहते तो प्रायश्चित करो। प्रायश्चित्यं विमर्शनम्, ध्यान से सुनना,
सुनिए, ये गलत काम क्यों किया तुमने? उसने कहा आई एम सॉरी। ये सॉरी फॉरी कहने से काम नहीं चलेगा, गलत किया क्यों? यदि तुम्हें छुटकारा पाना है तो इसके बदले चलो हवन कराओ, सत्यनारायण की कथा कराओ। तो उस गलत कर्म का जो पाप है वो हमें भोगना नहीं होगा, क्योंकि हमने प्रायश्चित कर दिया। लेकिन ये प्रायश्चित वास्तव में प्रायश्चित कब माना जाएगा? जब आगे कभी अशुभ नहीं करने का संकल्प ले लो। आज हमने बुरा कर्म किया, कल प्रायश्चित कर लिया, परसों फिर बुरा कर दिया। बार बार प्रायश्चित नहीं होता फिर तो उसमें ब्याज लगती है और भोगना पड़ता है। बोलो ना प्रेम से जय श्री कृष्ण, भाव से बोलो ना जय श्री कृष्ण। भाई तीन दिन हम लोगों को मजबूत बनना पड़ता है, क्यों? भागवत में चौथे दिन तो रसगुल्ले की कथा आती है ना, फिर और वो दिन कल आ रहा है। हाँ कल वामन अवतार रामचरित्र, और कल तो हम लोग सब गोकुल में पहुंचेंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया। ऐसा सुंदर कल कृष्ण जन्मोत्सव होगा, सब लोग पीले पीले कपड़े पहन के आएंगे कल। हाँ मैंने भी एक पीली बगलबंदी सिलवा के रखी है, वो चौथे दिन पहन लेता हूं, बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी तो रंगीन कपड़े पहनने की आदत नहीं है, पर कृष्ण जन्म वाले दिन तो मेरे को भी पहनना होता है। भाई लोग भी सब पीले पटके डाल के आते हैं, बहनें माताएं सब पीले परिधान पहन के आती हैं। और सुखद संजोग देखो, कल मेरे गोपाल जी का जन्म महोत्सव है और कल साल भर की सबसे सुंदर तिथि शरद पूर्णिमा है। हाँ सबसे उजाली रात्रि कल की है, एक सुखद संयोग है। तो तीन दिन से हम लोग जय श्री कृष्ण कह के ताली बजा के कीर्तन से मजबूत बनते हैं। कृष्ण जन्म वाले दिन तो सबको नृत्य करना पड़ता है ना जी। 80-80 वर्ष वालों में भी 440 बोल्ट आ जाते हैं। हाँ मेरे गोविंद का प्राकट्य उत्सव हुआ। हाँ दीवाना हो जाता है दिल कृष्ण के ऊपर। तो प्रायश्चित करो, तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च प्रायश्चित्यानि पापानां ज्ञातोक्तानि महर्षिभिः। कोई तपस्या के द्वारा प्रायश्चित करता है, कोई यम नियम आसन प्राणायाम के द्वारा प्रायश्चित करता है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़े पाप का सर्वोच्च प्रायश्चित यदि कोई है तो केचित् केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुन्वन्ति कार्ष्णेन निहारम इव भास्कर। भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान नाम का गान, यह सर्वोच्च प्रायश्चित है। किस कृन मन कृष्ण पदार विनयो निवेशितम तद्गुण रागयैरिह नते यमं पाशमृतस्य तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरं निष्कृता। एक बार भी जिसने गोविंद के नाम का कीर्तन कर लिया वो स्वप्न में भी यमराज की पुरी में कभी जाता नहीं है। एक पंडित जी थे कान्यकुब्ज गोत्र में, हमारे उत्तर प्रदेश में ही है ना कन्नौज, वहीं के थे वो पंडित जी, अजामिल नाम था उनका। कान कुब्जे दुजब कश्चित दासी पति रजामिला, ध्यान से सुनना।
बहुत पढ़े लिखे थे, विद्वान भी थे, एक बात बताऊं कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग जो होते हैं ना, वो छोटी मोटी गलती कभी नहीं करते। जब भी गलते भयंकर गलती करते हैं, ज्यादा पढ़े हैं ना। हमारे मन में काम को प्रवेश करने के दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता कान है और दूसरा रास्ता आंख है। आंख और कान दो रास्ते हैं। कानों से गंदा गीत सुनोगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा, आंखों से गंदा नृत्य देखोगे तो मन में काम प्रविष्ट होगा। इन आंख कानों को जिसने कब्जे में कर लिया वही भक्त है। अजामिल बहुत पढ़ा लिखा है, बड़ा विद्वान है, संस्कृत निष्ठ है, कर्मकांड का आचार्य है, शादी हो गई है, पत्नी बड़ी सुंदर है, बड़ी सुशीला है, और भगवान की कृपा से घर में एक बेटा भी है। पर दास्या संसर्ग दूषित, यजमान के घर पूजा वूजा करके लौट रहा था तो रास्ते में किसी वेश्या को देख लिया, उसकी गोरी चमड़ी पर आकृष्ट हो गया और उसके घर पहुंच गया। बोले मेरे घर चलो देवी, बहुत धन है। उसे तो धन चाहिए, आ गई। घर में आकर के बोली ये कौन? अजामिल बोले हमारी धर्म पत्नी है। बोले पत्नी पत्नी रहेगी तो मैं नहीं रहती, इसको रखो या मेरे को रखो। बुद्धि बिगड़ गई। जिसके साथ आपने सात फेरे दिए उसका परित्याग करना अक्षम्य अपराध है, भागवत कहता है। सबसे बड़ा घृणित अपराध है पत्नी का परित्याग। और मैं आपसे निवेदन कर दूं, जीवन का सबसे गहरा, सबसे विचित्र और सबसे नाजुक संबंध है पति पत्नी का। बोलो जय श्री कृष्ण। इससे गहरा संबंध कोई नहीं है, इससे मजबूत संबंध कोई नहीं है, और इससे बड़ा नाजुक संबंध कोई नहीं है। गहरा तो इसलिए कि वो आपकी धर्म पत्नी है, आपने सात फेरे दिए। पति पूजा करे, पाठ करे, भजन करे, उपासना करे, प्रणाम करे, कथा सुने, उसका 50% फल पत्नी के खाते में ऑटोमेटिक जाता है। ध्यान से सुनना, पति ने यदि 10 माला पर मंत्र जाप किया है तो 5 माला का फल पत्नी जी की पासबुक में ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो गया, लिखा है ऐसा। और पति जो भी पाप कर्म करता है उसका 1% भी पत्नी की पासबुक में नहीं जाता, वो पतिदेव को ही भोगना है पूरा, क्योंकि वो पाप पत्नी नहीं है, वो धर्म पत्नी है। आप धर्म का जो भी काम करेंगे 50% उनके खाते में ऑटोमेटिक जाएगा। और एक और बात कह दूं, पत्नी जो भी पुण्य का काम करती है वो चाहेगी तो फल पति को मिलेगा, नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगा। और पति नहीं भी चाहेगा तो 50% ऑटोमेटिक गया। इतनी छूट क्यों? इतनी छूट इसलिए कि मेरे भारत की नारी अपने लिए तो कुछ करती ही नहीं है, इसलिए मेरे राष्ट्र में नारी का जितना सम्मान है उतना विश्व के किसी धर्म में नहीं है।
हमारे राष्ट्र में तो नारी को देवता प्रणाम करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नयुतास्तु पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया। यूरोप अमेरिका कनाडा हर साल जाते हैं हम लोग, बड़ा नाटक, पूछो मत। दो जने आए हैं मिलने महाराज, मैंने कहा आपका परिचय? बोले हम पति पत्नी हैं। मैंने कहा अच्छा, ये दोनों बच्चे आपको? नहीं नहीं, ये हमारी पहली वाली पत्नी के हैं, वो छोड़कर चली गई है, बच्चे दोनों छोड़ गई हैं, उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। मैंने कहा तो ये? बोला अब इनसे मैं शादी करूंगा, ये अपने तीन बच्चे और पति को छोड़ के आ गई, अब हमसे शादी करेंगी। अरे राम राम राम, पशुओं का खेल है कि विवाह है भैया? मैंने कहा तो कब कर रहे हो शादी? अभी तो हमको साल भर ही हुआ है, अभी थोड़ा विचार कर रहे हैं, सहते साथ में ही हैं, कर लेंगे, ये कोई जीवन है? मेरे राष्ट्र में तो जब शादी होती है तो सात जन्म के एग्रीमेंट होते हैं। आपने सुनी है शादी में कैसी कैसी? वो सुनकर कितना आनंद आता है, जब पंडित जी कहते हैं बाई तरफ बैठो, तुम्हारे संस्कृत में बोला जाता है, देखो मेरे बिना पूछे तुम कोई नया काम शुरू नहीं करोगे, वचन दो तो बाई तरफ आऊंगी, मेरे रहते हुए किसी नारी को तुम देखोगे भी नहीं, मैं धर्म पत्नी हूं, तुम मुझे हां करो तो मैं बाई तरफ बैठूं, और जब मैंने तुम्हारा वरण कर लिया तो सात जन्म तक तुम ही मेरे पति रहोगे, तुम हां करो तो बाई तरफ आऊं। बोलो जय श्री कृष्ण, कितना सुंदर लगता है। अरे स्तंभ है अजामिल ने उस वेश्या के कहने पर पत्नी को त्याग दिया, और वो बेचारी भारतीय नारी अपने एक डेढ़ वर्ष के बच्चे को गोद में लेके चली गई, कहां जाए, मायके चली गई, मां के घर। अब अजामिल आखिर ब्राह्मण तो था, पढ़ा लिखा था, सुबह नहा धोकर नाक बंद करके बैठा, पूजा वूजा करने बैठा, तो वो डांट करके बोली क्या नाक माक बंद करके बैठ जाते हो सुबेरे सुबेरे, पैसे कमा के लाओ ना। अजामिल का जीवन बदल गया, दास्या संसर्ग दूषित, वेश्या के संग से जीवन बदल गया, क्योंकि संसर्ग जा दोष गुणा भवंती, व्यक्ति में दोष भी आते हैं संग से और गुण भी आते हैं संग से, अच्छे पुरुषों का संग करो। अब तो चोरी करने लग गया, फिर बड़ी चोरी, फिर और बड़ी चोरी, फिर बड़ी 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 चोरी, फिर तो डाकू ही बन गया, माथे पर काली पट्टी बांध करके, हाथ में नंगी तलवार लेकर के। अजामिल डाकू जब निकले तो एक मिनट में बाजार बंद, पूरा मार्केट बंद, छोटे बच्चे भी डरते हैं, युवान भी डरते हैं, किशोर भी डरते हैं, छोटे छोटे बच्चों से मां कहती बेटा दूध पी ले, बेटा कहते मेरे को नहीं पीना, तो मां के पास में भी एक ही शस्त्र है, या तो एक घूंट में पूरा कटोरा दूध खत्म कर दो, नहीं तो अजामिल आ जाएगा। अजामिल का नाम सुनते ही बच्चा एक श्वास में दूध खत्म, इतना डर बैठ गया, अजामिल से इतना भय हो गया, कौन बदल सकता है। भागवत में एक बड़ा सुंदर सूत्र है, दुग्धुर्वई परतो भयम्, जो दूसरों को डराते हैं उनको डरना भी पड़ता है, और जो कभी किसी को डराता नहीं उसको जीवन में कभी डरना पड़ता भी नहीं, वो डरता भी नहीं। हमें डर इसलिए लगता है कि हमने किसी को डराया है, दोग्धुर वही पर तो भयम।
ये बड़े बड़े तस्कर, बड़े बड़े दुष्ट, बड़े बड़े गुंडे, बदमाश रात को चैन से नहीं सोते। पुलिस की कौन सी गोली उनकी छाती चीर कर निकल जाए, कोई भरोसा नहीं। दुनिया में कुख्यात हुए लोगों को कुत्ते की मौत मरते हमने सुना और देखा है, मर गए। जिसमें कड़कपन ज्यादा होता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता, और जो मुलायम होता है वो बहुत लंबा जीता है। आप जानते हैं दांत जो हैं वो जीभ से बाद में आते हैं और जीभ से पहले चले जाते हैं, मालूम है ना? जिस दिन हम जन्म लेते हैं तभी से जीभ हमारे साथ में रहती है और चिता तक हमारे साथ में रहती है, रहती है कि नहीं? और दांत बाद में आते हैं और पहले चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि जीभ कोमल है, दांत कठोर है। विभीषण कहते हैं ना रामायण में, जिमि दसन नमः जीव बिचारी, मेरी हालत तो ऐसी ऐसी 32 दांतों के बीच में जीव, लेकिन जो कोमल होता है वो अपनी पर तुल जाए तो बड़े बड़े कठोर को ठीक कर देता है। जीव कितने उसमें रहती है आपको पता है? हाँ, जरा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी, खबरदार भीतर रहो, खबरदार दिल मत, दांत उसको निकलने ही नहीं देते। और गलती से जीभ निकल जाए तो कई बार कट जाती है, दांत में बीच में आ जाती है। 32 पहरेदार रहते हैं, खबरदार बाहर निकल गया। एक दिन जीभ ने कहा, सुनो ज्यादा दादागिरी मत दिखाया करो मेरे को, मैं जिस दिन अपनी पे आ जाऊंगी ना तुम 32 को 1.5 मिनट में बाहर करा दूंगी। दांत ने कहा, चुप अंदर, कैसे कराएगी? हम लोग 32 हैं और बड़े मजबूत हैं, तू है क्या? तू कोमल है, हम जब चाहें जब काट दें। जीव ने कहा, ठीक है। आराम से जा रहे थे, सामने से कोई पहलवान जी आ रहे थे, बड़े तगड़े पहलवान। सो जीव ने कह दिया, मोटे आलू पिलपिले दम कुआ में गिर पड़े। पहलवान बोले, क्या कहा? अब जीव ही तो बोलती है, जीव फिर बोल गई, मोटे आलू पिलपिले दम कुआ में गिर पड़े। सो पहलवान ने एक मुक्का ऐसा दिया मुंह में, सो 32 निकल के बाहर आ गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जीव बोली, मैं जब चाहूं जब निकलवा दूंगी बाहर। कोमल की जिंदगी लंबी होती है, मैं ये कहना चाहता हूं, जीवन में कोमलता लाओ, कठोरता में परिणाम खराब है। अब कौन सुधारे इसको? डाकू है। लोग सवेरे उठे भगवान से प्रार्थना करें, हे मेरे परमात्मा, संत मिले या न मिले, कोई महापुरुष मिले या न मिले, तुम्हारा दर्शन हो या न हो, लेकिन अजामिल का दर्शन मत कराना। अच्छा एक बात बताएं, ये तो दुर्भाग्य है थोड़ा सा कि यूपी अब ज्यादा बिगड़ गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश भारत का सबसे सुंदर प्रांत है, क्योंकि इसी प्रदेश में मेरे गोविंद का प्राकट्य हुआ, इसी प्रदेश में मेरे राम जी का प्राकट्य हुआ, और सर्वाधिक तीर्थ आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, सबसे ज्यादा तीर्थ हैं। अब तो इसका एक भाग जो सबसे सुंदर था थोड़ा अलग हो गया है, उत्तराखंड नहीं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश है। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, प्रयाग ही प्रयाग है, और बड़ा प्रयाग तो है ही प्रयागराज, इसी में कुंभ मेला सबसे भयंकर बड़ा, इसी में। इस बार कुंभ में मेरी दो कथाएं थी, कुंभ मेला में
5 करोड़ लोगों ने स्नान किया अमावस्या के दिन, मैं वहीं था। बताओ 5 करोड़ तो दुनिया के सबसे बड़े देश कनाडा की जनसंख्या भी नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। दुनिया का सबसे बड़ा जो राष्ट्र है, जो तकरीबन भारत से 7 गुना बड़ा है कनाडा, उसकी जनसंख्या 5 करोड़ नहीं है। इतने तो हमारे कुंभ में लोगों ने स्नान कर लिया। ऐसा है उत्तर प्रदेश मेरे। और यहां 2 जगह तो सबसे गजब है। एक मेरे राघव की जन्मस्थली श्री अयोध्या धाम, और एक मेरे माधव की क्रीड़ा भूमि श्री वृंदावन धाम। ये दोनों उत्तर प्रदेश में, एक अवध में एक व्रज में। अच्छा, अयोध्या के संत वृंदावन आते हैं, वृंदावन के संत अयोध्या जाते हैं, और बड़ा मीठा उनमें मीठी तूतु में भी होती है। जानते सब हैं कि एक ही हैं। वो कहेंगे मेरे कन्हैया श्रेष्ठ हैं, वो कहेंगे मेरे राम जी श्रेष्ठ हैं। आना, अरे गोस्वामी तुलसीदास जी, सूरदास जी में भी एक बार हो गया ऐसे। तुलसीदास जी आए थे घूमते घूमते गोवर्धन में, वहां रहते थे सूरदास। तुलसीदास जी सूरदास जी से बोले जय सिया राम, सूरदास बोले जय श्री कृष्ण जय गोपाल। तुलसीदास जी बोले सूरदास से, देखो मेरी बात मान जाओ, राम की शरण में आ जाओ, इसी में कल्याण होगा। सूरदास जी बोले महाराज जी ऐसे मत बोलो, मन बैरागी है गयो सुन मुरली की तान, अब लाला ना छूटे हमते, हमारा गोपाल ही सबसे श्रेष्ठ है, माफ करियो गुरु जी। तुलसीदास जी बोले देखो मैं फिर बार कह रहा हूं कि राम जी श्रेष्ठ हैं। नहीं महाराज जी, श्रेष्ठ तो मेरा गोपाल है। तुलसीदास जी बोले रोज रोज को झंझट हमको अच्छा नहीं लगता है, एक दिन तुल के देख लो भारी कौन है, जो भारी वही श्रेष्ठ है। सूरदास जी बोले ठीक है, तो फिर ऐसे ही कर ले। जाने कहां से महाराज तराजू लेके आए। सूरदास जी बोले कैसे तुलोगे। बोले अपने इष्ट का नाम लेके एक पल्ले में तुम बैठ जाना, अपने इष्ट का नाम लेके दूसरे में मैं बैठ जाऊंगा, जिसमें वजन ज्यादा वही सबसे श्रेष्ठ। ठीक है महाराज, बढ़िया। अब इनके पास तो इतने से लड्डू गोपाल जी हैं सूरदास जी के पास, उनको ही रख लेते हैं करतार बजा के, उन्हीं को भजन सुनाते हैं बेचारे। सूरदास जी आ गए। तुलसीदास जी बोले तो बैठो, तराजू टांग दिया है पेड़ की डाली पे। तुलसीदास बोले जय हो मेरे सीताराम, ये कहकर वो तराजू के पल्ले में बैठे। सूरदास जी बोले जय हो मेरे गोपाल जी, ये कहकर सूरदास जी बैठे। तो सूरदास जी का पल्ला ऊपर को लटक गया, तुलसीदास जी नीचे चले गए। जिसमें भजन होगा वही तो नीचे जाएगा। तुलसीदास जी बोले लटक गए ऊपर, हम पहले ही कह रहे कि तुम आ जाओ राम की शरण में, सुनते ही नहीं हो, हैं? उतरो, भजन इधर ही ज्यादा है, क्योंकि ये पक्के भगवान है। गोपाल जी गोपाल जी। सूरदास जी बेचारे तराजू से उतरे, गोपाल जी उठा के थैला में रखे, छड़ी ली चुपचाप चल दी। तुलसीदास जी बोले तो कब आओगे, बोले ही नहीं। अब कुटिया में जाकर गोपाल जी को उठा करके रख दिया फाटा। कन्हैया बात करते थे, चुपचाप बैठे। कृष्ण प्रकट होकर बोले थोड़ी में उंगली लगा के, बाबा आज भजन नहीं सुनाओगे, चुप बात मत करो। बाबा आज हमें पद नहीं सुनाओगे, बोलो मत। आज माखन भी नहीं खवाओगे, मत मत करो। काहे को रूठ गए हो हमसे,
ऐसे थोड़ी मुंगली लगा रहे सूरदास के गोपाल जी, क्यों रूठ गए? बोले मत कन्हैया, बोले गलती स्वयं करते और दोष हमको देते हो, रूठ भी जाते हो। सूरदास जी बोले गलती तुम करते ही है, ये गलती तो मैं 20 साल से करता आ रहा हूं, गलती का ही तो परिणाम मेरी नाक कट गई, गला फाड़ फाड़ करके तुम्हें गीत सुनाता हूं, कहां कहां से माखन मिश्री लाके तेरा भोग लगाता हूं गोपाल, दिन भर करताल उंगलियां देखो उंगली छिल गई, दिन भर करताल लेकर गीत सुनाता हूं तुम्हें, प्रसन्न रखता हूं तुम्हें, गोद में लिए डोलता हूं, दिखता नहीं है फिर भी सब जगह तुम साथ में, पूतना को मारने के लिए ताकत थी वजन था, गोबर से सात कोस का उठा लिया, एक अन्य उंगलिया में ताकत थी शरीर में, अघासुर बकासुर व्योमासुर अरिष्टासुर कैसे धनुकासुर बड़े बड़े राक्षस मार दिए, बड़ी ताकत थी शरीर में, अरे तुम्हारे भरोसे बाबा से मैंने शर्त बदली, नाक कटवा दी मेरी, भारी नहीं हो सकते थे थोड़े, हमने गलती की, गलती तो हमने की है, गला फाड़ फाड़ के गीत सुनाते हैं तुम्हें, ये गलती नहीं है क्या? कन्हैया बोले थोड़ा सोच लो तो गलती समझ में आ जाएगी, मेरा क्या दोष है? एक बात तो बताओ, तीन ज्यादा होते हैं कि दो? सूरदास जी बोले अनपढ़ भी जानता है दो कम होते हैं तीन ज्यादा होते हैं, तो एक तराजू के पल्ले पे तीन बैठेंगे एक पे दो बैठेंगे तो दो वाले तो ऊपर लटकी जाएंगे ना बाबा, क्या मतलब बताओ? जब पल्ले पर बैठ रहे थे तो तुमने क्या बोला और तुलसी बाबा ने क्या बोला? तुलसी बाबा ने कहा था जय हो मेरे सीताराम, बताओ एक तुलसीदास जी एक सीता जी एक राम जी तीन हो गए कि नहीं, और आपने क्या बोला? मैंने बोला जय हो मेरे गोपाल जी, बताओ तुम भी दुबले पतले और हम भी गोपाल जी, और फिर भी दो लटकना तो है ही ऊपर, तुम भी कहते हैं जय हो मेरे राधा कृष्ण जय हो मेरे राधे श्याम, फिर हम हल्के होते फिर बताते तुम। ओहो, सूरदास जी ने गोपाल जी थैला में रखे और महाराज लेकर के छड़ी छड़ी लेकर के करताल बजाते बजाते तुलसीदास जी की कुटिया पे पहुंच गए। तुलसी बाबा है क्या? तुलसीदास जी बोले आओ, क्या निर्णय किया? तराजू लाओ दोबारा, और थोड़ी गड़बड़ है गई आपके, दोबारा तो लेंगे। तुलसीदास जी बोले जिसने तुमको सिखा पढ़ा के भेजा है ना मेरे को सब मालूम है, मैं साहब जानता हूं किसने सिखा के भेजा तुमको, बार बार नहीं तुलते एक ही बार तुलते, और वो तो हो गया जो होना था। फिर दौड़कर गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास को गले से लगाया और बोले सूरदास जी कोई अंतर थोड़े ही है, वही मेरे सीताराम और वही तुम्हारे राधेश्याम, भाई कुभाय अनख आलस हूं नाम जपत मंगल दिश दश हूं, प्रभु के नाम को कैसे भी गाओ, और ये तो नारायण नाम बोला इसने, यमराज के दूतों से कह दिया राजी से नहीं जाओगे धक्के देके निकाल देंगे, वो लौट करके चले गए। यमराज ने पूछा कैसे आए खाली, बोले इस्तीफा ले जी हम नौकरी नहीं कर सकते, बेटे का नाम गा लिया उसने, मरते समय नारायण बोल दिया, पीले कपड़े वाले चार हाथ वाले चार पहुंच गए, फटकार लगाई हमको भगा दिया। यमराज बोले धीरे बोलो धीरे, ये नारायण नाम जो तुमने अभी लिया यही तो मेरे प्रभु का नाम है, कि परो मदन्यो जगतस्तस्तुखस्य ओत प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम, मैं जिसका नाम जपता हूं जो कणकण में व्याप्त है वही मेरा परमात्मा नारायण है, अहम महेंद्रो नृति प्रचेता स्वमोक निरीशो पमनोर को विरिंच, हम सब उन्हीं के आदेश का पालन करते हैं।
बोले हम कल किसी को पकड़ने जाएंगे वो बेटे का नाम कन्हैया रख देगा, परसों जाएंगे बेटे का नाम राम जी रख देगा, हमारा जीवन तो धक्के खाने के लिए हो गया। वो नहीं तुम नोट कर लो आज के बाद किसको लाना है किसको नहीं लाना। जिह्वान भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम चेतस्य न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति अस्सिर एकदापि तानानि यद्वमसतो कृत विष्णु कृत्या। तुम तो सीधी भाषा में लिख लो जो कीर्तन नहीं करते जो भजन नहीं करते जो कथा नहीं सुनते उनको पकड़ के नरक में ले आना, जो कीर्तन करते हैं भजन करते हैं कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना। दूत बोले जो कथा सुनते हैं कीर्तन भजन करते हैं उनको नहीं लाना, जो कथा नहीं सुनते कीर्तन भजन नहीं करते हैं उनको ले आना। एक बात तो आपने बताई नहीं, बोले पूछो कि कथा में आके जो सो जाते हैं उनको पकड़ के लावे कि नहीं, बोलो जय श्री कृष्ण। भाई कथा में तो आ गए रहा करके सो गए, उसके लिए क्या करें? आप कहते हैं जो कथा सुनते हैं उनको नहीं लाना, बरोबर है। अब कथा में आ गए रहा करके सो गए। यमराज बोले बाद में पूछ लेना, बोले आज क्लियर कर ही दो ना साहब। यमराज ने कहा जो कथा में आकर के सो जाते हैं उनको भी पकड़ कर रखे नरक में नहीं लाना। क्यों? क्योंकि घर में सोने की अपेक्षा कथा में सोना भी ठीक है। घर में सो जाएंगे तो क्या मिलेगा, कथा में सोएंगे तो जब भी जैसी कृष्ण बोलेगा तो कभी तो आंखें खुलेंगी, कुछ तो जाएगा। अब ये मत सोचना कि महाराज ने छूट तो दे ही रखी है, ना ना ना। उठ जाग मुसाफिर बोर भाई, अब रेन कहां जो सोबत है, जो सोबत है सो खो मत है, जो जागत है सोई पावत है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। गौ माता के गोरस में बने हुए पदार्थ, मुझे प्रहलाद व्यास जी बता रहे थे कि वहां से हमने प्रयास किया मगाने का और वो शुद्ध गौ माता का आशीर्वाद आपको यहां उपलब्ध होगा, आप उसका लाभ ले में। कल के बारे में तो मैं स्पष्ट रूप में कह चुका हूं, भगवान नृसिंह बामल राम की पावन कथा, और कल बड़ी धूमधाम से हम लोग कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। बाल कृष्ण लाल की, भागवत महापुराण की, रघुनाथ भगवान की, जय जय श्री राम।